देखिए पहला चरण है तो पहली पार्टी की अपेक्षा दूसरी पार्टी को थोड़ा समय लग जाता है। बिल्कुल, लेकिन मैं फिर भी आप देख पा रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी जल्दी पूरा करने का प्रयास कर रही हूँ। हाँ हाँ। और जानकी रमन भैया पहला गीत है मेरी तरफ से। क्या है? आपने तो कई युग ले लिए। हाँ। लेकिन चूंकि माँ दरबार में बैठी है। हाँ हाँ। और मैं माँ और बाप यानी माता और पिता दोनों को ले रही हूँ, इनसे ही हमारा जीवन है। क्या बात। तो एक प्रसंग जो ले रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, पहले धुन सुन लीजिए। हाँ हाँ। बंबई वाले गा रहे हैं। क्या गा रहे बेटे? बैठो भैया, ये तो बहुत बड़े बहुत मेहनती व्यक्ति हैं। हाँ हाँ। ताली बजाने का सारा श्रेय इनको जाता है। गीत कह रहा है क्या? किला पिला दे और भी भर के जा सा किया, कह रहा है क्या के दिल में चुभा जो काटा, लिख देते हैं लोग। yeah. कभी ऐसा हो सकता है कांटा दिल में चुभे और निकल गया है गुलाब। yeah. लेकिन अब बंबई वाले कहीं से भी कांटा निकल रहा है। आउका। तो आँख से छलका आँख से छलका आंसू और जाके गिरा पंजा। क्यों मर गया है जय सीताराम। आँख से छलका आंसू बस, ये बंबई वालों की बात है। देखिए हमारी माताएं बहने आती हैं, आप लोग भी, पुरुष वर्ग कीर्तन को ज्यादा अच्छे से समझ लेता है। महिलाएं भी समझती हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप नहीं समझ पा रही हैं। लेकिन कभी कभी कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो आप भी सुनकर जाएं तो आप कहें कुछ नया सुनने को मिला। माता के भजन आप लोग भी हमसे अच्छे गा लेती होंगी, क्यों नहीं। कुछ लोग तो इतनी अच्छी ढोलक बजा लेती होंगी कि हम भी बेकार हैं। और क्या? लेकिन फिर भी हम लोगों का प्रयास देखें और गीत को समझने का प्रयास करें। हाँ। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती बैठे हैं। हाँ हाँ। कैलाश पर्वत पर। देखिए आपने केवल माँ की बात की है, मैं माता पिता दोनों को ले रही हूँ। कैलाश पर्वत पर दोनों बैठे हैं, भगवान भोलेनाथ अपनी तपस्या में लीन है, आंखें बंद किए हैं, कुछ देख ही नहीं रहे हैं। लेकिन अचानक माँ ने देखा कि जल की बौछार आ गई और शोर कर गई। तो शिव और शिवा दोनों को शराबो कर गई कर गई। अचानक से माँ ने देखा भोलेनाथ तो ध्यान में लीन है,
लेकिन जल की बौछार भोलेनाथ पर पड़ रही है और माँ के शरीर पर पड़ रही है, तो माँ सोचने लगी के भीगा जो भवानी का तन है, गाने को बड़े गौर से सुनिएगा, यहाँ से कहानी शुरू होती है और आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। बहुत अच्छा जवाब देंगे, बस ध्यान से सुने। भैया जी, माता ने देखा के भीगा जो भवानी का तन, भीगा जो भवानी का तन, तो तन गई भ्रकुटियां भाल है, तन गई भ्रकुटियां भाल है, तो माँ सोच रही है आखिर अरे कहां से छल का पानी, कहां से छल का पानी, क्या दिया किसी ने डाल, कहां से आ रहा है भोलेनाथ पर। और मैया ने अगल बगल झांक कर देखा तो देखा क्या, ना गंग धार ना वर्षा, ना तो गंगा जी की धार का पानी है और ना पानी बरस रहा है, कि ना गंग धार ना वर्षा, ना पास नदी वा ताल है, तो फिर कहां से छल का पानी, क्या दिया किसी ने बड़े मन से आप लोग सुन रहे हैं, धन्यवाद है आप सबको, लेकिन सवाल पूरा सुनिएगा गौर से। माता के मन में प्रश्न उठा, भोलेनाथ आंखें बंद किए हैं, तो मैया कहने लगी, माँ ने भोलेनाथ से जानकारी करनी चाहिए, तो स्वामी से पूछा पर मिला ना उत्तर। क्यों उत्तर नहीं मिला, क्योंकि स्वामी बैठे थे नैनों को बूंद कर, माता ने भोलेनाथ से पूछना चाहा, लेकिन भोलेनाथ तो ध्यान में मगन है। तो रह गई उमा तब जय हो जय, मन में छटपटा कर जय हो जय, रह गई उमा तब जय हो जय, मन में छटपटा कर जय हो जय। और माता पार्वती सोच रही हैं कि ले जाऊं कहां मैं स्वामी को हटा कर, मेरे स्वामी के ऊपर सारा पानी पड़ रहा है और भोलेनाथ बैठे हैं, और स्वामी को पता नहीं है, स्वामी को भी पता नहीं है, गई भीग बाघ की खाल है, तो फिर कहां से छल का पानी, क्या दिया किसी ने, भैया जानकी रमन जी, भोलेनाथ ने जब कोई उत्तर नहीं दिया तो मैया अपने आप उस पानी का पता लगाने के लिए वहां से चल पड़ी कि आखिर ये पानी कहां से आ रहा है। और देखिए जब चली तो होता क्या है, के उठ पड़ी उमा तो चली एक डगर है, और कह रही है मैं पता करूंगी जो कोई बात अगर है, माता पानी का पता करने के लिए उठी और देखिए कहां जा रही है, के सौ योजन पहुंची जय हो जय, सौ योजन की दूरी पर पहुंची, हाँ हाँ, के सौ योजन पहुंची जय हो जय, देखा सागर है जय हो जय, और सागर के अंदर सागर में उछलता विकराल
मगर है, उस सागर में एक मगर पड़ा है। बस माँ ने देखा तो वो मगर अपनी पूंछ फड़फड़ा रहा था, तो मैया को लगा कि ये पूंछ पटक सौ योजन, ये पूंछ पटक सौ योजन तक पानी रहा उछाल है। लेकिन अभी इस बात का उत्तर ये नहीं है। मैया को लगा के लगता है अपनी पूंछ यहाँ पटकता है और वहां मेरे स्वामी भीग जा रहे हैं। माता भवानी के मन में प्रश्न आया और मैया उस मगर के पास पहुंची। मैया ने मगर से एक सवाल किया और भैया लोगों से निवेदन करूंगी, सवाल सुनिए। सुनिए, मैया ने कहा कि हे मगर महोदय, आप बड़े महान हैं, आप इधर पूंछ पटकते हैं उधर मेरे स्वामी भीग जाते हैं। तो मगर ने कहा, नहीं माँ, ये आपकी गलत फहमी है, सुनिए। कर जोड़ के बोले वो मगर महाशय, मगर ने कहा मुझसे महान है मैया ये जलाशय। माता ने कहा, मगर महोदय आप महान है। मगर ने कहा, मैं महान नहीं हूँ, मगर तो ये जगह, मगर महान नहीं है, ये जलाशय महान है मैया। तो मैया ने जलाशय से कहा कि हे जलाशय आप महान हैं। तो जलाशय ने भी कहा, ना माँ, बोला वो जलाशय जय हो जय, माँ मत कर संशय जय हो जय, और पहले तू समझ ले मेरी बात का आशय। मगर ने कहा जलाशय महान है, और जलाशय ने कहा, माँ मैं भी महान नहीं हूँ, मुझसे महान तो ये धरती है, ये धरती है जिस पर जग के जड़ जंगम, जिस पर जग के जड़ जंगम के जीवन का जंजाल है। लेकिन अभी भी जवाब नहीं मिला। मैया ने कहा कि हे धरती माँ, भैया मैया ने कहा कि है धरती माँ आप महान हैं। तो धरती माँ ने कहा मैं भी महान नहीं हूँ। वो देखिए धरती ने क्या कहा, धरती ने कहा मुझसे महान तो चले जिसमें आग है, और मुझे फन पर धारे ये जो शेष नाग है। सुनते रहिएगा हमारी माताएं बहने भी। धरती ने कहा कि मैं महान नहीं हूँ, मुझसे महान तो ये शेष नाग हैं जिस पर मैं खुद टिकी हुई हूँ। तो मैया ने कहा हे शेष नाग आप महान हैं। शेष नाग ने भी कहा नहीं माँ मैं भी महान नहीं हूँ। क्यों महान नहीं हूँ? क्योंकि जिस बल से करता जय हो जय मैं धरा को धारण, जय हो जय जिस बल से करता जय हो जय मैं धरा को धारण, जय हो जय वो बल दाढ़ी के एक बाल के कारण। ये है शेषनाग ने कहा कि जिस जो बल मेरे पास है वो दाढ़ी के एक बाल के कारण। शेषनाग कहने लगे कि अर्थिंग तो यहाँ आ रही है लेकिन इसका पावर हाउस कहीं और है। अब पावर हाउस कहाँ है? मैया ने कहा कि मैं समझ नहीं पाई ये दाढ़ी का बाल। तो शेषनाग ने वही दाढ़ी का बाल माँ के हाथ में पकड़ा दिया। और मैं यहाँ से वहां तक जितने लोग बैठे हैं आप सबसे निवेदन कर रहे हो, मेरी अंतिम पंक्ति सुनिए, मैंने गीत को बहुत जल्दी पूरा किया है। तब शेषनाग ने वो बाल थमाया और माँ से कहा जा शीरा ढूंढ लो जो विश्वास न आया। ये दाढ़ी का बाल पकड़े पकड़े चली जाओ, अपने आप उत्तर मिल जाएगा। तो चौंकी जब खुद को जय हो जय मैया, वही शेषनाग की दाढ़ी का बाल पकड़ कर जाती रही, चलते चलते कहां पहुंच गई के चौंकी जब खुद को जय हो जय कैलाश पे पाया जय हो जय,
मैया जहाँ से गई थी वहीं वापस लौट आई। अब मेरी अंतिम पंक्ति सुनिएगा और अच्छी लग जाए तो अपना आशीर्वाद तालियों का जरूर दीजिएगा। पहले सुनिए के चौंकी जब खुद को जय हो जय कैलाश पे पाया जय हो जय और शिरा जो देखा तो माथा चकराया। माँ ने देखा क्या? अब बस अंतिम पंक्ति सुनिएगा। माँ ने देखा के दाढ़ी का बाल किशन वो दाढ़ी का बाल किशन वो शिव जी की जटा का बाल है। जानकी रमन भैया के दाढ़ी का बाल किशन वो शिव की जटा का बाल है। तो मैया जान गई कि बस यहीं से छलका पानी और दिया यहीं पर छलका पानी दिया यही पर बोलिए दुर्गा मैया की बोलिए शंकर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। और ये इकलौता प्रसंग आपने रखा है और क्या गीत आया कौन सा? किला किला दे और भी क्या बात है भर के जाम साकिया का नाम साकिया साकिया के दिल में चुभा जो काटा वो जा निकला गुलाब के आग से छलका आंसू और जा टपका नेपाल में नेपाल विदेश की यात्रा करो। भवानी माँ सोच रही है अरे भीगा भीगा जो भवानी का तने तो तन गई भिगुटिया भाल है। अरे कहां अरे भीगा जो भवानी का तने तन गई भिगुटिया भाल है तो कहां से छलका पानी या दिया किसी ने डाल। ये है मामला। बढ़िया बात लाई है भगवान भोलेनाथ और भवानी को लेकर। चूंकि ये एकलौता प्रसंग है कुछ इसके समकक्ष कथानक नहीं मिलता। सुनेगा ऐसे ही बात आ गई है आखिर ये पानी आया कहां से तो भगवान भोलेनाथ के बाल से ही। मतलब वो बाल कहां से आके वही भोलेनाथ ही महान निकले। यही सब कुछ है यही सर्वेश्वर है। आइए मैं भी एक कथानक दे रहा हूं आपको। कुछ ऐसे ही समस्या वहां भी समस्या प्रकट हो रही है। क्रांतिमाला जी
एक बार अब आपने भोलेनाथ और भवानी को लिया है तो मैं दो महात्माओं को ले रहा हूं, दो ब्रह्मर्षियों को ले रहा हूं। एक बार महाराज वशिष्ठ के यहां विश्वामित्र पधारे। उससे पहले विश्वामित्र के यहां वशिष्ठ जी गए तो विश्वामित्र ने स्वागत किया और कहा कि आप आए हैं तो मैं 12 साल तपस्या का फल आपको दे रहा हूं। और क्या, 12 वर्ष की तपस्या का फल आपको दे रहा हूं। और फिर जब विश्वामित्र वशिष्ठ के यहां आए तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं 2 घड़ी सत्संग का फल आपको दे रहा हूं। ग्रंथ महाराज जी, 2 घड़ी के सत्संग का फल आपको दे रहा हूं। तो विश्वामित्र जी नाराज हो गए और कहा कि कहां 12 साल की तपस्या और कहां 2 घड़ी का सत्संग, आप मेरा अपमान कर रहे हैं मुनिवर। कहां 12 साल, कहां 2 घड़ी का सत्संग, और क्या सुनेगा, सुनिएगा। अरे दोनों ही है ब्रह्म ज्ञानी, लेकिन करने लगे तकरार है। अरे झगड़ रहे हैं ज्ञानी जो ज्ञान के भंडार, झगड़ रहे हैं ज्ञानी जो ज्ञान के भंडार, झगड़ रहे हैं ज्ञानी जो ज्ञान के भंडार है। जो ज्ञान के भंडार है आखिर क्यों लड़ रहे हैं, पहुंच गए, इसका फैसला कहां किया जाए। और क्या, पहुंच गए ब्रह्मा जी के यहां, पहुंचे और कहा 2 घड़ी का सत्संग, 2 करें 2 घड़ी का सत्संग, और एक तरफ है कठोर तपस्या, लेकिन इनका कहना कि 12 साल की तपस्या का फल 2 घड़ी के सत्संग से ज्यादा है। तो कहा और फल दोनों बराबर, कैसे कि फल दोनों बराबर है, बड़ी पहुंचे जब दोनों हो जाए, सब कह के सुनाया हो जाए। और ब्रह्मा ने कहा मैंने सुना मगर मैं न्याय नहीं कर सकता। बोले क्यों, तो कहा मैं अभी व्यस्त हूं। कहा व्यस्त, मैं व्यस्त सृष्टि सृजन में, तो ब्रह्मा ने बतलाया। तब पहुंच गए भोलेनाथ के पास, है पहुंचे लेके समस्या, झगड़ रहे दोनों ज्ञानी जो ज्ञान के भंडार, ज्ञानी जो ज्ञान के भंडार, झगड़ रहे दो ज्ञानी जो ज्ञान के भंडार है। भगवान विष्णु से कहा, भगवान विष्णु ने कहा कि मैं व्यस्त हूं सृष्टि के भरण पोषण में, पालन पोषण में, आप जाएं, आप चाहें तो शेषनाग से पूछ लीजिए,
क्योंकि इनकी सैया पर मैं लेटा हुआ हूं, इनसे पूछिए। अरे बो बोले हैं शेष तब अब न्याय करूंगा। सुनो मुनिवर ज्ञानी, सुनो मुनिवर ज्ञानी, सुनो मुनिवर ज्ञानी। समस्या है कि आप कह रहे हैं कि 12 साल की तपस्या का फल ज्यादा है और बशीर जी कह रहे हैं कि 2 घड़ी की तपस्या का फल, 2 घड़ी का सत्संग का फल ज्यादा है। तो फिर आप पहले विश्वामित्र से कहा कि आप 12 साल की तपस्या का फल के फल के प्रभाव से आप धरती को धारण कर लीजिए, जो कि मैंने अपने सर पे धरती को धारण कर रखा है। तो जब तक मैं खाली नहीं होऊंगा मैं समस्या का हल कर नहीं सकता, तो आप धारण कर लीजिए। तो फिर विश्वामित्र ने अपने 12 साल की तपस्या का फल उसमें लगाया, लेकिन धरती नहीं रुकी। फिर बसीर जी से कहा तो उन्होंने 2 घड़ी के सत्संग का फल उसमें लगाया। उस फल के प्रभाव से, 2 घड़ी के फल के प्रभाव से, 2 घड़ी के सत्संग के फल के प्रभाव से धरती टिक गई। तो शेषनाग ने कहा कि सही न्याय होगा, जय हो जय, करो धारा को धारण, जय हो जय। फिर आपकी समस्या का होगा निवारण, का होगा निवारण, का होगा निवारण। तो वशिष्ठ जी ने धरती को लीना धार है। फिर जब धारण कर लिया तो न्याय हो गया कि सत्संग सबसे बड़ा है, 2 घड़ी के सत्संग का फल ज्यादा है, 12 साल की तपस्या का फल कम है। तो सहमत हुए दोनों ज्ञानी, सहमत हुए दोनों ज्ञानी, हुआ प्रेम परस्पर का, हुए दोनों ज्ञानी, हुआ प्रेम परस्पर का, हुए दोनों ज्ञानी, हुआ प्रेम परस्पर का। और मिला प्रेम परस्पर प्यार है। इसमें भोलेनाथ मानते मतलब प्रभु मानते, इसमें सत्संग का फल सबसे ज्यादा है। बस नाम में ज्यादा ताकत है, मतलब राम न सके नाम गुण गाई। अगर आपने परमात्मा के बारे में बताया तो मैंने सत्संग के बारे में कहा है, बस इतना आप मेरे से प्रयास रहा। क्रांति मन्ना जी आइए, गीत अपने उसमें दे रहा हूँ छोटा सा गीत। हाँ आइए, नहीं बैठे रहिए।